नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जो दोस्त जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और उनकी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर चुकी है, रिजल्ट बहुत स्लो हो चुके हैं जिसके कारण वो परेशान है या फिर जिम छोड़ चुके हैं, तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जब आप सेम वर्कआउट प्लान, सेम डाइट प्लान काफ़ी समय तक फॉलो करते हैं, उससे आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है। प्लेटो हिट करने के कारण आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, रिजल्ट देना बंद कर देती है या फिर रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि आपकी बॉडी चेंज नहीं हो रही है, बॉडी बिल्ड नहीं हो रही है, मसल बिल्ड नहीं हो रही है। आपका फिटनेस गोल अगर फैट लॉस है तो आपका फैट लॉस बहुत स्लो हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं, जिम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों प्लेटो हिट करना होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि आपने कि अक्सर आपने जिम के ट्रेनर के मुंह से भी आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर गई, रिजल्ट देना बंद कर गई, या फिर काफ़ी सारे फिटनेस यूट्यूबर हैं जिनसे भी माध्यम से भी आपने सुना होगा कि बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप काफ़ी समय तक सेम वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं या फिर सेम डाइट प्लान साथ में फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है उस वर्कआउट प्लान के लिए। तो बॉडी जब हैबिचुअल हो जाएगी उस वर्कआउट प्लान के लिए तो रिजल्ट देना बंद कर देगी। लगभग 2 से 3 महीने का टाइम होता है आप सेम वर्कआउट प्लान फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगी या फिर रिजल्ट बहुत स्लो हो जाएंगे। दोस्तों एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप फर्स्ट डे रनिंग के लिए जा रहे हैं, आप फर्स्ट डे से लेकर 1 वीक तक आपने रनिंग की, आपका स्टेमिना रहा 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, आप बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर रनिंग कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको रनिंग करते हुए 1 से 1.5 महीना हो जाता है, आप 2 किलोमीटर आसानी से रनिंग कर सकते हैं, आप बिना थके या फिर बहुत कम आपकी बॉडी पर प्रेशर आएगा, बहुत कम थकेंगे आप। तो क्या हुआ, आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को, उस रनिंग के लिए हैबिचुअल हो चुकी है, यूज टू हो चुकी है, उसकी आदत पड़ चुकी है उस एक्सरसाइज के लिए, उस रनिंग के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही सेम इसमें होता है, जब आप सेम वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की आदत पड़ गई उस वर्कआउट प्लान को, तो आदत पड़ गई है तो उसमें बिल्कुल कंफर्ट जोन में चल रही है, कंफर्ट जोन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों, नो पेन नो गेन। अगर बॉडी को पेन नहीं होगा, मसल पेन नहीं करेंगे तो गेन नहीं होगा, और मसल को पेन कराने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आएंगे दोस्तों, तो दोस्तों कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आना है और बॉडी प्लेटो हिट ना करे उसके लिए क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी 3 ट्रिक दूंगा, उसे आप फॉलो करेंगे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी बॉडी को प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आपका इंडिविजुअल गोल मसल गेन करना है, चाहे आपका इंडिविजुअल गोल फैट लॉस करना है, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि आप लगातार सेम वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी प्लेटो हिट करती है। तो इसके लिए दोस्तों जो 3 ट्रिक है मेरी, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पहली ट्रिक है दोस्तों, अगर आप अभी सिंगल पार्ट वर्कआउट ले रहे हैं, जैसे आप सेम डे में एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मंडे को आप चेस्ट का वर्कआउट लेते हैं, ट्यूजडे को आप ट्राइसेप्स का लेते हैं, वेडनेस्डे को आप बाइसेप्स का लेते हैं, तो इनको अब मिक्स करना है। मतलब करने का मेरा मतलब ये है कि मंडे को आपको लेना है चेस्ट और बैक, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी 2 वर्कआउट बॉडी पार्ट वर्कआउट सेम कर सकते हैं, ट्यूजडे को बाई ट्राई, इस तरीके से 2 बॉडी पार्ट को सेम डे में आप ट्रेन करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे जो बॉडी आपकी हैबिचुअल हुई है उस कम्फर्ट जोन से बाहर आएगी, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक है मेरी, आप अपने वर्कआउट प्लान में जॉइंट सेट, ड्रॉप सेट और सुपर सेट को ऐड कीजिएगा। इनको ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्कआउट हैं, ये जो सेट हैं, इनके बीच में रेस्ट नहीं होता, रेस्ट ना के बराबर होता है। उससे क्या होगा, अगर आप रेस्ट बीच में नहीं लेंगे, ड्रॉप सेट, जॉइंट सेट और सुपर सेट अपने वर्कआउट प्लान में ऐड करेंगे तो आपकी मसल्स में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, और मसल में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो न्यूट्रिशन आपके ज़्यादा मसल तक पहुँचेंगे, जल्दी मसल तक पहुँचेंगे, तो इससे आपकी बॉडी जल्दी रेस्पॉन्ड करेगी, बॉडी को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी प्लेटो को हिट नहीं करेगी। तीसरी ट्रिक है दोस्तों, अपना न्यूट्रिशन प्लान को रिप्लेस कीजिएगा। रिप्लेस करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप, आपका खान पान है जो आप मॉर्निंग, आप जो पूरे दिन में 4 से 5 मील कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें आपस में एक्सचेंज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए सुबह आप अगर दलिया ले रहे हैं तो दलिए को आप इवनिंग में कर दीजिए या फिर दोपहर को कर दीजिए। अगर इवनिंग में आप एग वाइट और चिकन ले रहे हैं तो उसे मॉर्निंग में कर दीजिए या फिर दोपहर को कर दीजिए। इस तरीके से आपस में जो आपका डाइट प्लान है, जो आपकी मील है, उनको एक्सचेंज कीजिए। इससे भी क्या रिजल्ट आएगा, आपकी बॉडी प्लेटो हिट नहीं करेगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी 3 ट्रिक जिससे बॉडी आपकी प्लेटों को हिट ना करे, कंफर्ट जोन से आपकी बॉडी बाहर आए, आपकी बॉडी को जल्दी रिजल्ट मिले। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। मजा वखरा ही छट गई मशूक दा, यार ना पीती जी दुख बोल के नी लाके तिन।